सो गाइज हाई वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपको मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अगर मैं स्टेट में अभी जीतूंगा तभी नेशनल खेल पाऊंगा। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं एंड सुबह मैं 9 बजे बॉडी वेट दे दिया था, जो कि बॉडी वेट का सीन है। इसके बाद और एक मैं एक अनकट वीडियो डालूंगा कॉम्पिटिशन का, उसमें जाके देख लेना। अभी मेरा लिफ्ट स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स गो। अपने आप को प्रूव करना है एंड अभी प्लान है 2 लिफ्ट लेने का। 195 मेरा ओपनर है, तो लेट्स गो। वार्म अप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बात कम करूंगा, लिफ्ट ज़्यादा दिखाऊंगा, तो देखना पूरा। पहले प्री वर्कआउट, अब आरंभ। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. तो गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक सप्लीमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे लीन सीक्रेट का राज है ये मसल ब्लेस का आइसो जीरो लो कार्ब आइसोलेट प्रोटीन। इसमें मिलता है आपको 27 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में, 12.69 ग्राम EAA एंड 5.69 ग्राम BCAA पर सर्विंग। तो EAA एसेंशियल अमीनो एसिड एंड BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसका काम क्या रहता है, आपके बॉडी को रिकवर करना, तो साथ ही साथ आपके प्रोटीन इनटेक एंड आपके रिकवरी मोड दोनों को एक स्कूप में हेल्प होता है। इसमें इन्हांस एब्जॉर्प्शन फार्मूला यूज़ होता है, जिससे क्या होता है आपको 50% ज़्यादा प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है एंड 60% ज़्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प करता है। और ये क्लिनिकली टेस्टेड भी है। ऑल्सो ये लैबडॉर USA से सर्टिफाइड है। लैबडॉर USA क्या करता है, ये सारे जो नंबर्स आपको दिखेंगे हर सप्लीमेंट के पीछे, प्रोटीन 27 ग्राम, कार्ब्स 4.95 ग्राम, तो कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड में लिखा रह सकता है कि सप्लीमेंट प्रोटीन 20 ग्राम बट रहता है 10 ग्राम। तो अगर वो लैबडॉर से टेस्टेड है, मतलब जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट है, इस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। मेरा 2 दिन बाद कंपटीशन है, आज है 16 फरवरी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा बॉडी का कंडीशन क्या है। आप एब्स विजिबल हो रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो मैं हर कंपटीशन में अपने लीन रहने में डे इन डे आउट जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं यही सप्लीमेंट यूज करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव आपको लीन रहना पसंद है एंड स्ट्रांग रहना भी पसंद है एंड मैं उस चीज का कॉम्बिनेशन हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन रिकमेंड टू यू गाइस। तो गाइस अभी मैं कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर यूज कर रहा हूँ, ये मेरा अभी तक का फेवरेट फ्लेवर है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है कुनालएमबी, सपोर्ट करने के लिए प्लीज यूज करना। एंड चलो अब आपको दिखाता हूँ मेरे लिफ्ट्स और मेरे अचीवमेंट। सर दो और वार्म अप्स। Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of
मैंने मेरे दो अटेम्प्ट हो गए हैं, मैंने 205 लिया, 210 लेना था, बट एज यू गाइस मतलब आप लोगों ने देखा कि मैंने वार्म अप ठीक से किया भी नहीं, 100 से स्टार्ट किया, 120 किया, 150 या 160 यहाँ किया, 175 करके ख़त्म किया। एंड ऑल्सो थोड़ा मुझे लगा कि बिना वार्म अप के पुश करना सही नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू पुश इन बेंच एंड डेड, सो लेट्स गो। बेंच में भी थोड़ा इशू है, नीचे मैट नहीं है, मैट लगा हुआ है तो पैर स्लिप कर रहा है, मेरा 130 ओपनर है तो मैं अपने आप को ज़्यादा 40 की निकालना चाहता हूँ। बेंच का भी वार्म अप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी बेंच का वार्म अप करना है, लेकिन भीड़ देख सकते हो, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है, 10 मिनट में आपका नाम वहाँ पुकारा जाएगा, आपको करना करो नहीं तो नो लिफ्ट। बट दिस इज खाली है। सो गाइस वार्म अप नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज बहुत भीड़ है, स्टेज में लिफ्ट दिखाते हैं, 130 ओपनर है तो प्लान है 115 तक का सिंगल लेने का। लेट्स गो, ट्राई करके कैसे ना कैसे कर लेंगे, जुगाड़ा तो हम लोग कर लेते हैं कैसे भी, तो कर लेंगे ये भी। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well, I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah, I commit, and no, I'm never getting lost, I get after it, investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend, everything that you see is something I invent, and it's only 1%, I'm gonna take shots, if I miss all, forget it, I'll take a fat loss, just to learn all that's in it, I'm taking snapshots, learning how to fall and get it, I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it, I'm always learning, you could call me academic, I'm always working, never been apathetic, fat energy is like a poison, it's a antiseptic. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna breathe fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you never. So guys, regret ho raha bol ke. Do attempt 250 fail ho gaya. And reason bata deta hun. 190 लास्ट वार्म अप था, उसके बाद बहुत जल्दी वार्म अप, मतलब आप समझो कि मैं बेंच करने के बाद, ये चीज़ एक्सक्यूज़ में बहुत लोग बोलेंगे, बट आई बिलीव 250 विल बी इजी, क्योंकि जो सेकंड अटेम्प्ट मेरा स्पीड में आया था, आप लोग देख सकते हो बहुत स्पीड में मूव हुआ. सो मेरा टोटल बन रहा है 575 समथिंग, 205 kg. मेरा प्लान था दो लिफ्ट ही लेने का, लेकिन जो सेकंड वाला फेल हुआ इसलिए मैंने लास्ट अटेम्प्ट लिया. एंड थोड़ा भी लैकिंग है टेक्निक में, तो देखेंगे काम करेंगे. स्ट्रॉन्गमैन प्रॉबली मेरा होगा, देखते हैं अभी क्या स्कोर निकलता, क्या नहीं, मैंने निकाला नहीं अभी तक. तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा काम है वो कर लेंगे, उसके बाद आज ही प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखते हैं क्या होता है. फाइनली वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पे. विदाउट मॉम इट्स नॉट पॉसिबल, तो मैं मम्मी को मेडल पहना रहा हूँ अभी. और धन्यवाद. लास्ट 6 महीना में ये मेरा दूसरा स्ट्रांगमैन का ट्रॉफी है. तो मम्मी हम कितना साल अभी अकेले रहे वहाँ पे? 10 महीना. 10 महीना. सो 10 मंथ्स मैं अकेले था. मम्मी मतलब यहाँ पर रुक के खुद ये घर मतलब बिल्ड किए. 2 वीडियो पहले आप लोग ने देखा होगा मैं कहाँ रहता हूँ, और ऑल बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि मम्मी का जॉब ही था वहाँ पे, तो मम्मी को घर मिला था. एंड अभी 10 महीने बाद फिर से हम यहाँ पर रहेंगे मम्मी के साथ. सो हमें खुशी होगी. हाँ, मम्मी बोलती है, बट मम्मी को पता है कि कॉम्पिटिशन के टाइम पर मेरा क्या हालत होता है. मेरा जब खाना पीना बहुत कम हो जाता है, तो मम्मी हर समय पुश करते रहती है. अब तो मम्मी बोलना छोड़ दी है कि हम भगवान पर छोड़ दिए हैं कि मेरा बेटा भगवान का है. देश के लिए वो मतलब जीतेगा, वो ओलंपिक में जाएगा, गोल्ड मेडल लेकर आएगा, हमें इतना विश्वास है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. तो ये अभी जो नया जिम मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दिस विल बी द फर्स्ट ट्रॉफी, फर्स्ट मेडल ऑफ माई जिम. सो मम्मी को काम है, मम्मी को भेजते हैं, आप लोगों से बात करते हैं. एंड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मेडल मम्मी को पहनाना, पेरेंट्स को प्राउड करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस गेम से मुझे पैसा नहीं मिलता है. मम्मी पैसा लाते हैं क्या हम? नहीं, कोई बात नहीं. मेडल लेकर आ रहा है मेरा बेटा ना, वही बहुत बड़ी बात है. सो यही मैं दिखा रहा हूँ, खुशी में खुशी है मेरा बस. तो गाइज आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट ये जो रिस्पेक्ट आप लोग देते हो और मॉम एंड डैड को प्राउड फील कराते हो, दैट इज़ द ओनली गिफ्ट वॉट आई कैन गिव. देर आर सोर्स ऑफ इनकम, आप दूसरी जगह से करो, बट अगर आपको प्राउड करना है तो आप स्पोर्ट्स में आओ, खेलो. एंड चलो ठीक है माँ, जाओ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा. चलो ना, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. जो भी कल कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें सिंगा भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, सीनियर में ही सिंगा खेला था. एक क्या मिस्टेक हुआ फेडरेशन वाले लोगों से, सिंगा से आधार कार्ड मांगा गया. एज यू गाइज नो, 1 साल पहले का क्या सीन हुआ था सिंगा का, उसको नेशनल में दिक्कत हो रहा था क्योंकि उसका एज जो कम लिखा हुआ था
जो स्कूल से कम लिखा हुआ था, जो एक्चुअल उसका एज है और जो अभी का एज, जो एक्चुअल उसका एज है और जो नंबर वाला एज है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट. तो सिंगा ने ऑलरेडी बोला है ऑन कैमरा दैट आई विल बी प्लेइंग सीनियर. लास्ट ईयर बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, अभी वो सीनियर खेल रहा है. तो कल उसने आधार कार्ड अपना दिया, बॉडी वेट दिया एंड आज गेम खेला. गेम खेलने के बाद उसका जो मेडल लगा वो उन्होंने चेंज नहीं किया, वो जूनियर में ही उसको मेडल लग गया. बट जब मेडल लग रहा था तब भी जब उसने जाके, मैंने भी बात की, उसने भी बात की कि सर ये तो हम तो सीनियर खेलते हैं, तो सर ने बोला चलो ठीक है तुम सीनियर ही खेलना, यू आर क्वालिफाइड टू द फॉर द नेशनल, बट मेडल दे दिया ठीक है. तो वैसे भी उसका जितना लिफ्ट था सीनियर में कोई नहीं था उतना लिफ्ट करने वाला. सो इट्स लाइक चलो ठीक है, सीनियर का मेडल ले लिया उसने टाइटल की. तो टाइटल में भी स्ट्रॉन्ग मैन था, फुल पावर लिफ्टिंग में तो सीनियर तो मैं लेके जा रहा हूँ. जूनियर में क्या हुआ, मेरा जो स्टूडेंट है रितेश, आपने देखा होगा, मैं उसका एक वीडियो भी डालूंगा इस वीडियो के बाद. रितेश का लिफ्ट था, मैं आपको बताता हूँ. अभी जो वो मेरा क्लाइंट है, पर्सनल क्लाइंट है एंड मैं एक साल से डेढ़ साल से उसको ट्रेन कर रहा हूँ. उसने टोटल किया 610 kg अंडर बॉडी वेट ऑफ 82.14 करके उसने 610 का टोटल किया ठीक है. उसका जीएल पॉइंट बन रहा है 84.84 डॉट्स. इसने मैं कैलकुलेट करके रखे थे, हम लोग जब भी हम लोग लिफ्ट करते तो हम लोग जीएल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं. तो उसका इतना पॉइंट बन रहा था जूनियर में. तो आई वॉज वेरी श्योर डैट जूनियर का मेडल, स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल उसको जाएगा. लेकिन जब सिंघा को सीनियर से जूनियर में शिफ्ट करके उन्होंने निकाला तो सीनियर में, जूनियर में मेडल ट्रॉफी दे दिया. अब मैंने एक वीडियो भी डाला है ठीक है, जिसमें मैं और सिंघा साथ में स्टेज पे चढ़ रहे हैं. उस समय उतना ऑडियंस पीछे खड़ा था, गेस्ट थे, फेडरेशन के लोग थे, तो उस समय हम लोग को बोलने का ये नहीं मिला. हम लोग उस समय जाके ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ द गेम हम लोगों ने ट्रॉफी ले लिया. बट आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट मुझे मालूम था कि रितेश को ट्रॉफी लग रहा है और वो हम लोग स्टेज पे बात कर लिए थे. तो रितेश को भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है. तो ठीक है, थोड़ा सा एक होता है स्टेज पे ना करने का, मतलब स्टेज पे ना मिलने का ट्रॉफी, आई रिस्पेक्ट दैट, वो थोड़ा दिल में चोट लगता है. बट उसके बाद सिंघा ने क्या किया, अपना ट्रॉफी रितेश को दे दिया और वो बैच भी दे दिया ठीक है. तो दिस इज़ द थिंग, अगर आप इस गेम से हो तो आप समझ सकते हो कि आपको बुलाया, आप गए ट्रॉफी लिए, नीचे आए, जो डिज़र्व करता था उसको दिए, दैट्स ऑल. ये एक थोड़ा सा ये हुआ. मेरा भी क्लाइंट है रितेश, सिंघा मेरा, दोनों मेरे भाई जैसे हैं. सो मैं किसी को ये नहीं कर सकता हूँ. तो दिस इज़ द थिंग कॉल अंडरस्टैंडिंग एंड बस दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट. अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना एंड लेट्स गो. 5 हफ्ते बाद नेशनल है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट करने जा रहा हूँ मैं. मैं अब से खुद से ट्रेनिंग करूँगा, अकेले ट्रेनिंग करूँगा, अपने आप ट्रेनिंग करूँगा एंड देखते हैं. क्योंकि आई बिलीव मैं अपने आप को किसी से, मतलब मैं अपने आप को बहुत बेटर जानता हूँ. सो अभी मेरा नया जिम भी है तो थोड़ा काम वर्कलोड ज़्यादा रहेगा. सो ये प्रेशर में भी अपने आप को बेस्ट देना है एंड 5 हफ्ते बाद नेशनल में भी अपना बेस्ट देना है. अभी सिर्फ 2 लिफ्ट लिया हूँ. आई नो मैं डेडलिफ्ट में बहुत लैग कर रहा हूँ, टेक्निक इशू है. जो सेकेंड लिफ्ट हुआ था 250 kg बहुत स्मूथ था और मैं बता रहा हूँ 4 हफ्ते बाद 260+ करूँगा बिकॉज मुझे मालूम है मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट. बाय बाय, सी यू, टेक केयर. Thank you.